तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी को फॉरवर्ड करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जब गाड़ी को मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं जिससे प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए कभी कभी क्या दिक्कत हो सकती है वो स्टार्टिंग की, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं जब स्टार्टिंग में आप गाड़ी को यहाँ पे ड्राइव करने वाले होते हैं। देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे फर्स्ट गियर इंगेज करते हैं तो आपका क्लच जो है पूरी तरीके से अगर प्रेस नहीं होता है तो आपका गियर हो सकता है कि मे बी यहाँ पे फंस जाए, ठीक है। और अगर गियर आपका फंस जाएगा तो दिक्कत हो सकती है कि आपका जो अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो गियर है वो वर्क ना करे। इसके लिए मेक श्योर ये करना है कि आपका गियर जो लीवर है अगर इंगेज करें तो क्लच पैडल को पूरा ऑपरेट करना है, मतलब फुल्ली, ठीक है। देखो भाई कभी कभी हो जाता है भाई झटके में ये चीज़ कि जो है आपका क्लच पैडल जो है ठीक तरीके से यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है, उससे गियर में भाई दिक्कत कब आती है पता है आपको? दिक्कत आएगी जब सर्विस कराने जाएंगे ना, तब हो सकता है कि गियर से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाए, ठीक है। तो जब भी आप क्लच को पूरी नहीं प्रेस करेंगे, मतलब कभी भी आप गियर एनी टाइम आप गियर को मारते हैं, लगाते हैं, इंगेज करते हैं, और उस कंडीशन में अगर आप अपने गाड़ी में जो है यहाँ पे क्लच को पूरी तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हाफ ही क्लच में करते हैं, तो पहली चीज़ तो गियर आपका बहुत टाइट चलेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको लगेगा कि हाँ भाई गियर फंस रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो भाई सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने गियर को इंगेज प्रॉपर तरीके से करने के लिए क्लच को प्रॉपर यूज़ करना, ठीक है, तभी जाके जो है आपका यहाँ पर गियर जो है पूरी तरीके से वर्केबल रहेगा, गियर अच्छे से जो है वर्क कर पाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कि आप स्लो चल रहे हैं 10 20 30 की स्पीड में और तब भी आप जो है यहाँ पर गियर को फिफ्थ गियर में ले चल रहे हैं, फोर्थ गियर में ले चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको गाड़ी को जो ड्राइव करना है, अगर टूटी फूटी रोड है, ऑफ रोडिंग है, तो फर्स्ट सेकंड गियर पे ही आपको गाड़ी को प्रिफेयर करना है, ठीक है। और रोड अगर अच्छी खासी है तो थर्ड फोर्थ गियर पे गाड़ी को प्रिफेयर करना, और हाईवे अगर अच्छे से बिना एरर के अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, फिफ्थ गियर लगा के आप जो है 40-50+ जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और गाड़ी को जो है लिमिट में ही ड्राइव करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है आजकल के टाइम में जो है कभी भी इंस्टेंट कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी गाड़ी की जब आगे अगर आ जाता है तो वो एकदम पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको ये चीज का पता चलने के लिए आपको अपनी गाड़ी को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है गाड़ी का जो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जितने भी पार्ट होते हैं उनको आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, ठीक है। रोड खराब है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, रोड सही है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना अपने गियर को, ठीक है। तो ये है जब भी आप गाड़ी को स्टार्टिंग में उठाएं या फिर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो कहाँ पे कौन सा गियर यूज होता है उस गियर को प्रॉपर आपको याद रखना है और प्रॉपर उस तरीके से अपने गाड़ी में गियर को यूज करना, ठीक है। तो इतना जरूर से अगर आप याद कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छे एक पॉसिबल रीजन हो सकता है अगर और आने वाले समय में जो फ्यूचर में जो गाड़ी आपकी काफी अच्छा रिस्पांस करने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें जो कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, और अगर जो है आपको जितने भी पॉसिबल रीजन है वो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। तो होपली आपको ये जो वीडियो है वो पसंद जरूर से आ गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।